यो गेस व्हाट हु इज बैक। हाँ सही गेस किया तुमने। दिस इज अंशु यादव साइनिंग इन। सो या गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बड़े टाइम बाद हम लोग नए व्लॉग में मिल रहे हैं, राइट? और तुम सोच रहे हो कि भाई इतने खुश क्यों हो? तो बस कुछ नहीं भाई, खाली वीडियो के लिए खुश हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, दिखावा कर रहा हूँ खाली। एनीवेज चलो हम लोग आज बहुत सारी बातें करनी है, बातें इन द सेंस कि तुम्हें मुझे अपने बैकलॉग के अपडेट्स देने, साथ ही में अपने रूटीन भी शेयर करना है। और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हो मैंने सुना, फालतू टेंशन लेते हो तुम, ठीक है? तो सब टेंशन वेंशन दूर करते, आराम से व्लॉग इन्जॉय करो। और तुम्हें शेयर करता हूँ अभी मेरा क्या क्या चल रहा है, कहाँ कैसा सीन चल रहा है, कैसे सिलेबस अपने को ख़त्म करना है, और जो भी चीज़ें तो आए ना तुम लोग व्लॉग इन्जॉय करोगे। तो लेट्स गो। ओके, सो बड़े टाइम बाद अपना नया व्लॉग आ रहा है। और आई नो की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक चल रही है अभी, सब लोग की चल रही है, क्योंकि अभी नीट को भी सिर्फ अराउंड 40 डेज बचे हैं, और अब टेस्ट भी देना है, रिवीजन मैनेज करना है, और सबसे ज़्यादा हैक्टिक तो रिवीजन मैनेज करना होता है, क्योंकि लेक्चर तो बंदे देखो देखना ही है 3 रोज का, लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो समझ नहीं आता कि कैसे प्लान करें। अब मैंने ये हर बार अपने शॉर्ट्स और वीडियोज में बता रखा है कि मैं ज़्यादा मगजमारी नहीं करता रिवीजन के लिए, मैं जो भी टेस्ट देना होता है ना, मैं पहले टेस्ट पर फोकस करता हूँ कि कौन सा टेस्ट देना है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि कब कौन सा चैप्टर करना है। और क्योंकि अभी बैकलॉग भी चल रहे थे जो कि काफी हद तक मैंने खत्म कर लिया है, इसलिए अभी मैं रोज रोज लेक्चर्स को उतना टाइम नहीं देता। जब मुझे ऐसा लगता है कि आज लेक्चर कर लेना है तब मैं लेक्चर करता हूँ, अदरवाइज मैं आजकल कभी कभी लेक्चर्स नहीं करता, सिर्फ पूरा दिन रिवीजन ही करता हूँ। और आई नो ऐसा तुम लोग को भी लगता होगा कि जब तुम लोग रिवाइज करने बैठे रहोगे तब ऐसा लगता है कि यार ये चैप्टर तो मैं पूरा ही भूल गया, मतलब उसको जब रिवीजन करने बैठो और जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसा लगता है यार ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं पूरा ही भूल गया। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग फुल सिलेबस भी चालू कर देंगे तो अब सारे चैप्टर्स फ्रिक्वेंटली रिवाइज होते रहेंगे, तो अब याद रहेगा होपफुली। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाए तुम लोग बताओ, क्या बायोलॉजी करना? चलो ठीक है, तुम बोलते हो तो बायोलॉजी करते हैं। अभी ना मैं बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे एक्जैक्टली ये नहीं समझता कि कौन सा चैप्टर करना है, तो मैं फुल सिलेबस वाला कोई मॉक उठा लेता हूँ जिसमें से सिर्फ बायो के ही क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसमें भी जो गलत गया रहता है वो टॉपिक में रिवाइज कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा कंटिन्यू नहीं करूंगा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो करूँ जिसमें पार्ट टेस्ट भी रहेंगे और फुल भी रहेगा, ताकि मैं एक बार पूरा पार्ट टेस्ट में सारे सब्जेक्ट कवर कर लूँ, फिर फुल सिलेबस मैं फाइनली चालू कर दूँ। अब तक मैंने चालू तो किया नहीं है यार, एंड आई नो काफ़ी लेट हो रहा हूँ मैं, लेकिन इस बारे में मैंने अपने मेंटर्स से बात की थी तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि भाई देखो तुम्हारे जो भी स्कोर है ना उसके हिसाब से तुम पार्ट टेस्ट पहले दो, जिससे कि पता लग जाएगा कि वीक टॉपिक कौन से है। और पार्ट टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 पार्ट टेस्ट, थोड़े ही पार्ट टेस्ट दूंगा और फिर उससे वीक टॉपिक्स पता लग जाएगा, उस पर थोड़ा और काम करके फिर मैं फुल सिलेबस टेस्ट चालू करूंगा। तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि अभी पीसीबी पॉइंट का जो नया टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है वो मुझे वैसे भी फ्री में ही मिलने वाला है, क्योंकि मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बोला कि वो वाला टेस्ट दे देना, क्योंकि उसमें पहले के 2 टेस्ट में तो 11th और 12th पूरा कवर होगा और बाकी के 8 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो अब मैं उसे वैसे अपने हिसाब से प्लान करके एक प्रॉपर गैप में पेपर्स दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर टेस्ट के एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें मेरे मेंटर्स हेल्प कर देंगे, लेकिन तुम लोग उनके ऐप में खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, सारे आंसर दिए रहते हैं वहाँ पे, तो तुम लोग एक बार शेड्यूल चेक कर लो। वैसे तो ये सारे के सारे टेस्ट एक ही बार में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से प्लान करके सारे दे देना। तो अगर तुम्हें भी इसमें इनरोल करना है तो वैसे तो इस टेस्ट की प्राइस 199 रुपीज़ है, लेकिन जो मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर तुम वहाँ से इनरोल करते हो वहाँ पे तुम्हें कूपन कोड मिल जाएगा, जिससे कि ये टेस्ट सीरीज तुम्हें सिर्फ 99 में पड़ेगा। ओके, सो अभी मेरा बायोलॉजी भी पूरा हो चुका है, और फिर बायोलॉजी खत्म करने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होने चला गया था, फिर मैंने खाना खाया और ऐसे ही टाइम निकल गया यार, शाम भी हो चुकी है, तो अभी मैं फिलहाल इसे रखता हूँ और अभी मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिजिक्स का लेक्चर करूंगा। Tell me baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. अब वैसे मैं अपने दिन की शुरुआत दोपहर में ही करता हूँ ना, तो मुझे बायोलॉजी करते करते शाम हो जाता है, और आज मैं थोड़ा और काम में अटक गया था इसलिए ज्यादा लेट हो गया, नहीं तो मैं शाम तक केमिस्ट्री चालू कर ही देता हूँ। और बाकी हाँ, मैं भी काफी नर्वस हूँ यार अपने टेस्ट वगैरह को लेके, जैसे मैं जो स्टडी विथ मी लाइव करता हूँ उसमें बंदे आके पूछते हैं भाई आप इतने चिल कैसे हो, ये वो, मैं उनको वही बताता हूँ कि भाई मैं चिल नहीं हूँ, और ऐसा थोड़ी होता है कि ये यूट्यूबर है इसका तो सब चिल ही होगा, सब सही होगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट ही हूँ, और जो तुम्हें दिक्कतें होते हैं वो सारी दिक्कतें मुझे भी होती है। ओके, तो अभी तुम्हारे भाई ने केमिस्ट्री भी खत्म कर लिया, इसे करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, पर मैंने PYQs भी किए और क्वेश्चंस भी किए,
और पूरा अच्छे से मैंने उसका जो नोट्स था वो भी रिवाइज कर लिया ताकि ये चैप्टर मेरा थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो अब ये पूरा हो चुका है, अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ, ठीक है। तो इसके पहले मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और फिर सीधा अपन शिफ्ट हो जाएंगे फिजिक्स पे। और हाँ, इस बैकलॉग के रिगार्डिंग ना मैं एक जनरल बातें बताता हूँ जो मैंने लाइक रियलाइज किया, आपको मैं वो शेयर करता हूँ जिससे मे भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। हाँ, तो देखो अपन ये जो काफी टाइम से बैकलॉग ये सब लेके चल रहे हैं, मैंने ये नोटिस किया कि देखो बहुत से लोगों के बहुत सारे बैकलॉग हो रखे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स के होंगे, मेरे तो फिर भी चलो 2-4 चैप्टर ही है। तो ना अब अपन क्या कर रहे हैं कि अभी का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि अभी के टाइम पे ना तुमने जो 80% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है, तुम लोग वो 80% सिलेबस छोड़ दे रहे हो, उसका बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे हो, प्लस जो 20% बचा है खाली उस पर ध्यान दे रहे हो, दिन भर बस उसे ही करने पे लग रहे हो। और यार ये एक चीज़ मैंने समझी है बाकी टीचर्स के यूट्यूब पे वीडियो देखे उससे, कि जो बैकलॉग हमारा हो गया है ना, अब हम लोग उसे उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते जैसे हम लोग अगर टाइम पे रहते तो कवर करते। चलो अगर तुम्हारे 1-2 चैप्टर है तो तुम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे 2-2.5 महीने के बैकलॉग हो रखे हैं ना, तो तुम अभी उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया है और अब तुम्हें बाकी एस्पिरेंट के मुकाबले कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो ऑब्वियस ये बात है कि तुम उनके इंटेंसिटी पे कवर कर भी नहीं पाओगे और ज़रूरत भी नहीं है, तुम खाली PYQs पे ध्यान दो या फिर नोट्स पे या फिर वन शॉट पे, इन सब पे ध्यान दे के ही कवर कर रहे हो। अब मेरा तो देखो 2-4 चैप्टर ही थे, तो मैंने बोला कि मैं MR सर के लेक्चर से कर लूँगा, भले मेरा 15 दिन बाद सिलेबस खत्म हो लेकिन मैं उनसे ही करूँगा। साथ ही मैं रोज़ कोशिश कर रहा हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा लेक्चर में, मतलब जैसे हम लोग रोज़ 1 लेक्चर करते हैं, मैं उसकी जगह 1.5 से 2 लेक्चर करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराते हैं, उसको नोट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कि मैं 2 लेक्चर पूरे के पूरे नहीं कर पाता हूँ, पर स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो बाकी टारगेट्स हैं उसे ज़्यादा मिस ना करूँ। जैसे कि मैंने एक दिन में फिजिक्स के 3 लेक्चर तो कर लिए, लेकिन मैंने सिर्फ बायो के 10-20 क्वेश्चन किए और केमिस्ट्री को मैंने हाथ ही नहीं लगाया। तो मैं वैसा सीन नहीं होने देता हूँ मोस्टली, भले तुम लोग सोचोगे कि तू क्या ही बता देगा, मैं किसी टीचर का वीडियो देख लूँगा जाके, लेकिन टीचर्स भी यही बोलते हैं यार कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रेटजी वीडियोज़ और बहुत ये सारी चीज़ें देख रखी है, मैंने उसे पूरा कंसाइज करके तुम्हारे सामने रखा है। और ना तुम चाहे जितने भी वीडियो देख लो, ठीक है, भले वो 10 मिनट के हो या 15 मिनट के हो, सबका कंक्लूजन यही निकलता है कि हार्ड वर्क करो। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और तुम लोग अभी इसे फॉलो करोगे अच्छे से। और अब मैंने जैसे बोला कि कोई भी बैकलॉग मत रहने दो, सब निपटा दो, साथ ही में रिविजन भी अच्छे से कर लो, क्योंकि अब फुल सिलेबस टेस्ट चालू करने की टाइम जो है वो बहुत करीब आ चुका है। उसके स्कोर्स मैं अगर शेयर कर पाऊंगा अपने शॉर्ट्स के थ्रू, अगर मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा तो मैं शेयर कर दिया करूंगा। बाकी तुम लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल वगैरह पे शेयर कर सकते हो। हाँ भाई, तो चलो अभी फाइनली मैं दिन के आखिरी टारगेट पे पहुंच चुका हूँ। काफी हेक्टिक हो जाता है दिन, और ऑन दी अदर हैंड दिन कब निकल जाता है वो भी नहीं पता लगता, क्योंकि यार अपन ने पूरा सेग्रीगेट कर रखा है कि दोपहर में बायोलॉजी करना है, ये फिजिक्स करना है, शाम को फिर ये करना है, तो वो थोड़ा थोड़े पार्ट करते 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 कब दिन खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता यार। पर ठीक है, अब तो सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, और होपफुली ये सारी चीज़ें गुड नोट पे एंड हो जाए। और हाँ, इसीलिए अपने व्लॉग्स भी अभी थोड़े डिले होके ही आएंगे, और अब नीट तक तो शायद काफ़ी कम व्लॉग्स ही आए। बाकी जिन्हें ऐसा लगता होगा कि भाई तू अभी ये सब वीडियो बना के टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है यार कि मैं दिन के रोज़ के 4 घंटे दे रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना। और इसीलिए अभी व्लॉग्स भी डालना मैंने कम कर दिया, ताकि जो मेरे पास एकदम से बोर होता रहो या फिर एकदम से मेरे पास कहीं टाइम बच जाए ना, मैं वहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा टाइम लगा दूँ, क्योंकि वैसे भी दिन में एटलीस्ट इंसान थोड़ा बहुत इधर उधर तो टाइम दे ही देता है यार। मैं उसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे लिए हेल्पफुल भी है, जो मेरे लिए प्रोडक्टिव भी है भाई, जिनके लिए नहीं होगा उनके लिए नहीं होगा। एनीवेज वो सारी चीजें साइड में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट्स डालते रहूं, क्योंकि शॉर्ट्स में ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा बनाने को, जिसमें मैं तुम्हें करंट अपडेट्स देता रहूंगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा कि अपन फाइट करते रहेंगे एंड तक। और बाकी बस इतना ही था, मैं लास्ट में अराउंड 5 घंटे फिजिक्स को दे देता हूं पूरा, और ये दिन के सारे टास्क खत्म करते करते बहुत ही लेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट टास्क खत्म करते मैं अपना स्टडी विद मी स्ट्रीम एंड करता हूं और फिर सीधा सोने चले जाता हूं। तो मिलते हैं अभी अपन सीधा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।